हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आसान है। मेरा नाम हेमंत है और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और इस लेक्चर में भी हम आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो पहले पुराने लेक्चर्स को जाकर देख लें, तभी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आएंगे अच्छे से। तो उन वीडियोज़ की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाकर उनको खोलकर ओपन करके देख सकते हैं। आज हमने कुछ चेंज किया है, अब जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होंगे। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपने लेक्चर अब रहने वाले हैं वो बाइलिंगुअल में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड द 15th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 13% ऑफ लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, लॉस परसेंट कन्वर्टेड इन टू प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड लॉस परसेंटेज। हिंदी में भी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। कोई विक्रेता किसी वस्तु को एक निश्चित हानि प्रतिशत पर बेचता है, ठीक है, यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो वह हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का एक सिंपल तरीका है, बट थोड़ा सा हम पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन फिर हम आपको सिंपल सी ट्रिक है वो भी बताएंगे बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना है हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि जो सीपी होता है उसको हम कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 हमने मान लिया। अब इसमें हम एक चीज लेट और भी लेते हैं कि लेट हमारा जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो हमारा एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एसपी जो होगा वो हो जाएगा सीपी माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता, प्रॉफिट परसेंटेज होता, तो हमारा जो एसपी हो जाता वो क्या हो जाता, 100 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे लॉस है इसलिए 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम एसपी डबल कर देते हैं, तो एसपी यही तो है, ये डबल कर दिया, तो जो हमारा, अब यहां से देखते हैं कि जो पुराना जो लॉस था वो किसमें बदल जा रहा है, प्रॉफिट में बदल जा रहा है। तो अब प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, एक्स ही प्रॉफिट हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो न्यू जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो पुराना जो हमारा एसपी था उसको अगर हमने डबल कर दिया तो ये डबल जो एसपी है वो किसके बराबर होगा, ये जो न्यू एसपी है इसके बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो क्या कर देंगे हम, इसको इक्वल कर देंगे, 100 प्लस एक्स को इक्वल कर दिया हमने। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये 200 माइनस 2x इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स हो जाएगा। इनको सॉल्व करना है, माइनस 2x को हम इस साइड ले आएंगे और 100 को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो हमने कर लिया 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x हो गया। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 100 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर क्या आ गया आपका, 100, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका क्या निकल आएगा, लॉस परसेंटेज। ये x आपने माना था ना, लॉस परसेंटेज क्या माना था, x माना था, तो x बराबर क्या आ गया, 100 बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी पार्ट सही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ट्रिक बताते हैं आपको, आपको ट्रिक जानना है ना। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, ऑप्शन जो दिए हैं, जो ये जो हमने ऑप्शन दे रखे हैं, इनका ही प्रयोग करेंगे। इनका कैसे प्रयोग करना है, इनका देखो हम बताते हैं कैसे प्रयोग करना है। सपोज दैट हम पहला ऑप्शन लेके हैं, कि हमने मान लिया पहले कि हमारा एक ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन ए है, वो सही है, यानी हमारा जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, 30% है, ये हमने पहले से मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो मान लिया, जो एज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन में, उस कंडीशन में रख के देखेंगे, कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन है इसमें हम रख के देखेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हमारा जो ऑप्शन ए माना है तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हम रख के देखते हैं, इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे, तो पहले आपने लॉस परसेंटेज 30 माना है और सीपी आपका पता है 100 होता है, मान के ही चलते हैं हमेशा, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा 70, ओके। तो अब एसपी कंडीशन क्या कह रहा है कि एसपी को दुगना कर देते हैं, यानी कि जो 70 है इसको हम डबल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा एसपी, न्यू एसपी 4 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा।
अब 140 जो एसपी हुआ है, ठीक है, 140 एसपी जो है और सीपी कितना है आपका 100 है, तो इन दोनों से ये न्यू जो एसपी है, न्यू एसपी से जो प्रॉफिट निकल गया है वो कितना आया, प्रॉफिट 40% आ रहा है, जबकि उसने क्या कहा था कि जो प्रॉफिट जो हानि परसेंटेज है यानी जो 30 है वही क्या हो जाता है आपका 30 लाभ हो जाता है, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलना चाहिए था कितना निकलना चाहिए था 30% निकलना चाहिए था, तब ये आपका जो ऑप्शन ए था वो सही माना जाता, लेकिन ये नहीं निकला है तो हम क्या करेंगे दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 25% अभी चलो एज्यूम नहीं करते क्योंकि इससे भी यही कंडीशन आएगी और आंसर आपका सही नहीं आएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 सी को सॉल्व करते हैं, तो लॉस परसेंट हमने कितना मान लिया 100/3%, ओके सीपी हमारा 100 होता है तो एसपी जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 100 में ये हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ऐड नहीं सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्यों सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे क्योंकि लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो इसको ऐड करते, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100-100/3, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 66 सही 2/3%, ये जो आपका एसपी आ गया निकल के। अब वो कंडीशन क्या कह रहा है कि एसपी को डबल कर दिया जाए यानी इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा एसपी न्यू एसपी जो हो जाएगा वो कितना होगा 133 सही 1/3 आपका न्यू एसपी हो जाएगा। अब न्यू एसपी से हम क्या करेंगे सीपी को घटा देंगे वही हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा निकल के 33/1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 100/3 आ जाएगा, तो वही क्वेश्चन जो कह रहा था ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई, उसने कहा था कि जो लॉस है वही आपका प्रॉफिट बन जाता है, तो यहाँ पे लॉस 100/3 था तो प्रॉफिट कितना हो गया 100/3, ठीक है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऐसे सेम क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से आप पहले लगाकर देखिए फिर हम इसको डिटेल में भी बता देंगे, पहले हम ऑप्शन से हल करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मतलब सपोज हमने 50 सेलेक्ट कर लिया, 50% हम मान के चलते हैं हमारा जो है वो क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, तो कोई विक्रेता किसी वस्तु को एक निश्चित लाभ पर बेचता है, यहाँ लाभ है ठीक है ध्यान रखना लाभ है, तो क्या है डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 13% ऑफ गेन, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल गेन परसेंटेज जो है वो बिकम थ्राइज 3 गुना हो जाता है, यदि उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो 3 गुना हो जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है, यानी कि जो आप जो यहाँ मान रहे हो ना ये जो लाभ प्रतिशत है इसको निकालना है, तो हमने इसको ही एग्ज्यूम कर लिया 50% है, ये ऑप्शन से हम चेक करना है कि हमें ये ऑप्शन सही कि नहीं है, तो हमने मान लिया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 50% है ठीक है, और ये बाद में कंडीशन कह दी है कि ये बाद में जाके कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है मतलब 150% हो जाता है, ठीक है यही तो ही कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सीपी हम हमेशा कितना मानते हैं 100 मानते हैं, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, अब एसपी कंडीशन क्या करें एसपी को डबल कर दिया जाए तो इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है अब न्यू एसपी हमारा 300 है और सीपी कितना 100 है, इनका डिफरेंस कितना होगा 200 जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट होगा, तो अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 150 होना चाहिए था बट हो कितना रहा है 200 हो रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये गलत हो गया, ठीक है अब ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम सीपी हमने 100 माना तो प्रॉफिट हमारा कितना पहले 60 है और ये कितना होना चाहिए थ्राइस होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए, तो यानी कि कितना होना चाहिए 180, ठीक तो सीपी हमने 100 मानते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, कंडीशन क्या है कि एसपी को डबल करना है, डबल कर दिया तो हमने कितना हो गया 320 हो गया, अब जो न्यू एसपी आया है तो इससे हम सीपी को देखकर क्या निकाल लेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 220, तो 220 क्या 180 के बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो ये ऑप्शन बी पार्ट है ये भी गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी चेक कर लेंगे, सी में क्या है 75%, तो प्रॉफिट हमने 75% माना थ्राइस किया 3 गुना किया तो कितना हो गया 3 गुना करने पे 15/5 हासिल 1 और 21 और 22 225 यानी कि 225 हो जाना चाहिए हमारा प्रॉफिट, तो निकालते हैं चलो सीपी हमारा 100 है और एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है अब इसको हमें डबल करना है दुगना करना है, दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 350, ओके 350 हो गया ये आपका। अब क्या करेंगे जो न्यू एसपी 350 आया उससे हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे निकल के इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 250 आ जाएगा, तो 250 जो है और 225 है क्या बराबर है आपस में, जब ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा ये ऑप्शन जो है वो आपका
गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? डी ऑप्शन बचा। तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, फिर इसको आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। तो प्रॉफिट आपने कितना मान लिया? अब 100% मान लिया, तो तीन गुना होना चाहिए, तो यानी कि 300 होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या किया, सीपी हमने 100 माना, तो हमारा एसपी जो है वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 200 हो गया। इसको डबल करना है तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब जो न्यू एसपी आया है और इसका हम डिफरेंस ले लेंगे सीपी से, तो वो प्रॉफिट निकल आएगा। कितना आएगा प्रॉफिट? 300। तो ये जो प्रॉफिट है वो इसके बराबर है कि नहीं है ना? तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। ठीक है, तो बताइए इसको मैं उसमें लगाऊं कि नहीं? नहीं, डिटेल में चलो लगा देते हैं। अच्छा, फिर तो डिटेल में हम कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से हमें ऐसे सॉल्व करना है, तो ऑप्शन से इजी है इसको करना, डिटेल में भी इजी है बट उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। चलो डिटेल में बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट कहा है कि जो प्रॉफिट एक निश्चित प्रॉफिट पर बेस्ड है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने मान लिया कितना है? एक्स है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना है? एक्स प्रतिशत है। ठीक है, एक्स परसेंटेज है। तो सीपी हम कितना मानते हैं? सीपी मानते हैं हम 100 मानते हैं। ठीक है, एसपी हमारा कितना यहां से हो जाएगा? 100 प्लस एक्स हो जाएगा। ये तो सिंपल है। अब क्या करना है, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्या है, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा? 3 गुना होना चाहिए, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 3x होना चाहिए। यही तो कह रहा है वो, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो क्या करेंगे हम, तो डबल कर देते हैं लेट, इसको एसपी जो है हम उसको डबल कर देते हैं। एसपी हमारा कितना है? 2 टाइम्स कर दिया हमने, 100 प्लस एक्स कर दिया। अब जो एसपी है वो कितना, किसके बराबर हो जाएगा बताएगा कोई? नहीं बता सकते? अरे भाई सीपी हमारा कितना है? 100 है। ठीक है, और जो हमारा न्यू जो प्रॉफिट होना चाहिए कितना हो चाहिए? 3x होना चाहिए। यानी कि न्यू जो एसपी होगा वो कितना होगा? न्यू एसपी जो होगा हमारा हो जाएगा 100 प्लस 3x। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर ही तो होगा, 100 प्लस 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे हम। 200 प्लस 2x इक्वल्स टू 100 प्लस 3x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, इनको हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100%। तो ये आपका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। जो निश्चित लाभ प्रतिशत जो आपको निकालना था वो आपका आ गया, यानी कि डी पार्ट जो आपका है वो आंसर सही हो जाता है। ये आपका डिटेल मेथड है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए आपको ऑप्शंस को ऑप्शन से हमें हल करना है इस आंसर, इस टाइप क्वेश्चन के टाइप को। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं हम। इफ सेलिंग प्राइस इज हाफ, लॉस परसेंटेज इज 38%, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन सेलिंग प्राइस इज फुल। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल आधा है तो हानि प्रतिशत कितनी है? 38%। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल पूर्ण हो? Okay. तो समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा ना? लेट्स क्या करना है, मैं सबसे पहले जब समझ में आया तो सबसे पहले क्या करना है, सीपी मानना है। सीपी कितना मान लिया हमने? 100% मान लिया सीपी भाई। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसपी। कौन सा एसपी निकालेंगे? हाफ एसपी, क्योंकि वस्तु का मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस इज हाफ है, वस्तु का विक्रय मूल्य आधा है, तो हाफ एसपी निकालेंगे। हाफ एसपी निकाल के कितना आएगा बताइए? 100 है सीपी, और इसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रही है 38%। तो लॉस कितना है? 38% है। तो हाफ एसपी निकल कितना आ जाएगा? 100 माइनस 38। तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा बताएगा कोई? 62। अब क्या करना है हमें, फुल एसपी निकालना है। फुल एसपी मतलब क्या कर देंगे, एसपी जो हाफ था किसके बराबर था? 62 के बराबर। फुल एसपी करना है तो हमें क्या हो जाएगा, दो को पक्षांतर कर देंगे, तो 62 × 2 हो जाएगा। तो फुल एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 124% हो गया फुल एसपी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है जब हम एसपी फुल कर देते हैं। अब प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, ये सीपी 100 है, एसपी 124 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका? 24%। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, इफ सेलिंग प्राइस इज 3/4, लॉस परसेंटेज इज 16%,
व्हाट शुड बी द लॉस परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस इज हाफ। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल 3/4 है तो हानि प्रतिशत 16% है। तो क्या करना है हमें, हानि प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल आधा हो। ठीक है, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पूर्ण हो जाए, इसमें क्या है आधा। तो वो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है, आपको एक बार इसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट सीपी 100 माना, और चूंकि हमें यहां पे लॉस परसेंटेज दिया है, कितना दिया है 16% दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमें, 3/4 क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो वो कितना आएगा, 100 - 16 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताएगा कोई, बता भी दिया करो भाई, 84 आ जाएगा। चलो आप क्या करेंगे, एसपी को फुल एसपी पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इनको हम पक्षांतर कर लिया इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको हमने इसको काट दिया, कितना बचा 28, और ये कितना आ गया आपका 112 रुपए। एसपी कितना है 112 आ गया। ठीक है, अब निकालना कौन सा एसपी है, क्योंकि हमें आधा एसपी निकालना है, हाफ एसपी निकालना, तो इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो 112/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये तो हमारा एसपी हो गया, हाफ एसपी हो गया, कितना हो गया हाफ एसपी 56 हो गया। अभी निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है ना, ये निकालनी है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे, हमारा सीपी 100 है, एसपी 56 है, इनको आपस में जो उनका डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा 44%। तो इनको आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आप 100 से 56 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 44% बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ओके, कोई विक्रेता है वो अपनी वस्तु को, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। आगे चलते हैं, हाउ मच वेट ही प्रोवाइड इनस्टेड ऑफ 1 kg टू हैव 25% प्रॉफिट, यानी कि वह 1 kg सामान की जगह कितना सामान कम दे। मतलब इसमें क्या कर रहा है, वो जो कस्टमर, जो दुकानदार है, जो डीलर है, वो चालाकी कर रहा है और सामान को कम करके दे रहा है, तो उसको क्या होता है 25% का लाभ होता है। समझ में आ रही बात। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक चीज में मान लेते हैं कि मान लिया हमने जो 1 gram है वो 1 rupee के बराबर है, किसके बराबर है 1 rupee के बराबर, ये हम मान के चले थे, लेट एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि जो हमारा 1000 gram है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 rupee के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने क्या किया, उस दुकानदार जो था, जो डीलर था, वो 1000 gram उसने कुछ भी जो सामान है, सपोज दैट चीनी है, शक्कर है, उसको बेच रहा था, तो 1000 gram जो उसने बेची चीनी, तो कितने की बेची होगी, 1000 rupee की बेची होगी, यानी कि जो 1000 है वो हमारा क्या है एसपी है, क्या है एसपी हुआ 1000 rupee। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हम निकालेंगे सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे, यहां पे हमें दिया है, पहले से गिवन है कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट 25 है, तो यहां पे हम सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी जो भी होता है वो क्या करते हैं, हम एसपी जितना लिखा है, सीपी निकालेंगे क्या करते हैं, हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और चूंकि एसपी जो हमारा है वो कितना है परसेंटेज में, प्रॉफिट दिया है हमारा 25, सीपी हम 100 मानते, तो यहां से एसपी कितना निकालेगा 125, जो 125 वही तो 1000 है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कर देंगे, बटे में रख देंगे 125 के। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही क्या, देखो चूंकि प्रॉफिट हमारा 25% था, तो एसपी हमारा 125% आ गया, और 125% ही तो कितना है 1000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000/125। ठीक है, और इसमें हमें निकालना है सीपी, तो सीपी 100 होता है, 100 का इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब तो आया समझ में, तो इसको हम शॉर्ट में सीधा ये लिखेंगे कि जो चीज हमें निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी निकालना हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और एसपी जो निकाला था उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 800 रुपए, सीपी कितना गया 800 रुपए, चूंकि हमें पता है कि 1 gram बराबर 1 rupee, यानी कि यह हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 1 rupee बराबर 1 gram है, तो ये जो कितना है, कितने ग्राम बन जाएगा, ये भी 800 gram हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 800 रुपए में वो 800 gram चीनी उसको वो पड़ती है, उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो बेच कितना रहा है 1000 रुपए में 1000 gram, समझ रहे हो बात, दिखा रहा है कि वो 1000 gram बेच रहा है, बट एक्चुअली में बेच कितना रहा है वो 800 gram बेच रहा है, तो जो डिफरेंस है वो कितना है इसका 200 gram।
तो वो ग्राहकों को कितना कम सामान दे रहा है, 200 ग्राम कम सामान दे रहा है। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 10% लेस बट ही गेव हिज कस्टमर 15 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 18 ग्राम। फाइंड आउट हिज रियल प्रॉफिट। कोई विक्रेता है अपने सामान को 10% कम पर बेचता है लेकिन अपने ग्राहक को 18 ग्राम की जगह 15 ग्राम सामान देता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, यानी कि रियल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि 1 ग्राम एज्यूम कर लिया, 1 ग्राम बराबर कितना है, 1 रुपए के बराबर है, ये चीज हमने पहले से मान ली है। तो अब क्या होगा, जो 15 ग्राम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 रुपए के बराबर हो जाएगा, और जो 18 ग्राम होगा वो किसके बराबर होगा, 18 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि जो दुकानदार है वो क्या करता है, 18 ग्राम चीनी कुछ भी सामान है, 18 ग्राम सामान को 18 रुपए में बेचता है, तो उसका ये एसपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 18 रुपए। अब लेकिन वो सामान जो है वो बेच 18 का रहा है लेकिन उसको पर कितने का रहा है एक्चुअल में, क्योंकि उसका सामान तो 15 ग्राम जा रहा है ना, 15 ग्राम सामान खर्च हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि वो 18 की जगह 15 दे रहा है लेकिन कस्टमर को तो 18 लग रहा है, तो वो उसमें उसका जो एक्चुअल जा रहा है तो वो कितना जा रहा है, 15 रुपए का जा रहा है, यानी 15 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उसको, और दे कितने का रहा है, 18 रुपए का दे रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्या करता है कि वो 10% कम पर बेचता है। अब जो पहले उसमें 18 दिखा रहा था लेकिन उसमें 10% वो कम भी लेस भी कर रहा है, लेस कितना कर दिया, 10% लेस कर दिया, 10% 18 का 10% कितना होगा, 1.8 होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पे रिमेनिंग कितना बचेगा, 16.2 रुपए बचे। यहां तक क्लियर? तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, यहां से आप क्या निकलेगा, आपका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस? एसपी ज्यादा है, कम का उसने खरीदा, ज्यादा में बेच रहा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे यहां से, कैसे निकलेगा, इनका सब्सट्रैक्शन मतलब कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 1.2 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, सीपी, सीपी कितना है 15, और मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, तो जो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो भाई, यहां से दशमलव बढ़ाया, जीरो आ गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, यहां से हम काट देंगे, पांच से 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3 से 1 काट दिया, 3 × 6 = 12, तो 4 × 2 = 8%, तो जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, 8% आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस आप एक बार अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, जैसा ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है बस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 240 ईच, मतलब किसी वस्तु का, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु बेची जा रही है, तो उनमें से प्रत्येक वस्तु का प्राइस कितना है, 240 रुपए। वन सोल्ड एट 20% गेन एंड अनदर सोल्ड एट 20% लॉस, क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमें दोनों चीज इसमें कैलकुलेट करनी है। अब हिंदी में पढ़ देते हैं हम इसको, कोई विक्रेता दो वस्तुएं बेचता है जिसमें प्रत्येक का मूल्य 240 रुपए है, पहली वस्तु 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेचता है, तो ज्ञात करें कुल लाभ या हानि प्रतिशत, तथा क्या निकालना है, लाभ और हानि का मूल्य। ठीक है, दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, तो देखो सबसे पहले तो हम जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको हम ट्रिक में जो जनरली ट्रिक जो चलती है ना उसको भी बता देंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सीपी वन निकालेंगे, सीपी वन निकालने के लिए क्या करेंगे, दो वस्तुएं हैं एक ए और बी, दोनों का प्राइस कितना है, 240 में बेची जाती है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, एसपी वन है या एसपी ए मान लो या एसपी टू है, एसपी टू है दूसरी वस्तु का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एसपी पता है हमें, और इसमें क्या है, जो पहली वस्तु है उसको 20% गेन पे बेचा जा रहा है, इसको 20% गेन पे बेचा जा रहा है, तो सीपी वन निकालेंगे हम, सीपी वन क्या होगा, 240 मल्टीप्लाइड कितना करेंगे, 100, क्योंकि जो निकालना होता है सीपी हम 100 मानते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे डिवाइड जो होगा वो कितने का होगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना ये 20%, तो यहां से प्रॉफिट से एसपी निकाल लेंगे, इससे एसपी कितना निकलेगा, 100 + 20 यानी कि 120, तो ये अपॉन कितना आ जाएगा, 120, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 times चला जाएगा इसमें, 200 आ जाएगा, सीपी बना गया आपका 200, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, 240 है तो सीपी 2 जो होगा 240 डिवाइड में कितना आएगा बताओ खुद से, क्योंकि लॉस है 20% लॉस है,
तो इसमें 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 80। तो तुम्हारा जो एसपी वो 80 है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा ये, तो CP2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300, ये CP2 आ गया। तो इन दोनों का एक साथ अगर हम देखा जाए, दोनों का कॉस्ट प्राइस देख लिया जाए दोनों वस्तुओं का, तो वो कितना हो जाएगा 500 रुपीज, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो CP जो है वो कितना हो गया 500, और SP जो है दोनों वस्तु का वो कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो 240 एंड 240, कितना हो जाएगा 480 रुपए, ठीक है। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बताइए, यहां से निकल आएगा आपका लॉस निकलेगा, क्योंकि आपने आप ज्यादा में खरीदी थी, 500 में खरीदी थी, बेच रहे 480 है, तो लॉस हुआ आपको, और लॉस कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ। तो जो 20 रुपए निकल गया है वो क्या हो गया आपका, जो आपको दूसरी चीज निकालनी थी, क्या निकालनी थी, बी पार्ट, लाभ या हानि का मूल्य निकालना था, मूल लाभ या हानि का मूल्य कितना आया, 20 रुपए आया, ठीक है। लेकिन अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बताइए भाई, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस को लिखेंगे डिवाइडेड बाई सीपी, कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4%, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया 4% आ गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, और कभी आप जो आंसर है कभी गलत नहीं होगा, दोनों चीजें एक साथ निकल आएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसको टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रिक की, ट्रिक जो चलती है क्या चलती है, नॉर्मली जब सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं के बराबर हो, क्योंकि देखो 240 ईच है ना, तो ये ट्रिक एप्लीकेबल तब के लिए है जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, ये ट्रिक तभी वैलिड है जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तब के लिए हम लगाएंगे। तो ट्रिक क्या है कि एक्स स्क्वायर बटे 100, ये क्या होगा आपका लॉस परसेंटेज होगा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद आप अगर रख सके तो रख लोगे, नहीं रख पाओ तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है जैसे आप अभी तक लगाते आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी के थ्रू ये आप लगा सकते हैं इसको इजीली, लेकिन अगर आप ट्रिक याद करना चाहें तो इस ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, अब एक्स कितना है आपका 20 है, क्योंकि ये देखो दोनों में 20-20 है, दोनों बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो एक्स आपका 20 हो जाएगा, 20 रख देंगे हम, 20 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 100, तो 400 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा 4%। तो इस हाँ एक चीज और याद रखना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो हमेशा क्या होगा आपका लॉस ही होगा, तो लॉस जो निकल गया है वो कितना आएगा 4% आ गया, इस ट्रिक से इजी आ गया 4%। लेकिन अगर हमें मूल्य भी निकालना है, चूंकि उन्होंने कहा है कि लाभ का या हानि का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है, तो लॉस जब 4% है तो एसपी कितना होगा हमारा 96 हो जाएगा, 100 माइनस 4, एसपी 96 हो गया कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज लॉस का मूल्य निकालना है, परसेंटेज नहीं, लॉस का मूल्य निकालना है, तो वो कितना होगा, कितना ही है 4%, जो चीज निकालनी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कितना है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है दोनों का 480, तो 480 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4% का, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करने के बाद जो हमारा लॉस आएगा वो कितना आएगा 20 रुपए आ जाएगा। अब आप खुद डिसाइड कर लेना, जो आपको इजी लगे उसके द्वारा आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे ये कॉन्सेप्ट है जो आप बराबर जो आप लगाते आ रहे हैं ना उसके हिसाब से बहुत ही इजी लगेगा आपको। और ये जो ट्रिक है ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, ये ट्रिक भी बढ़िया है, इसको भी आप अगर याद रख सकें तो इसके माध्यम से भी आप आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 5% गेन, हैड ही परचेज 10% लेस एंड सोल्ड ₹24 मोर, ही विल गेन 20%, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में पढ़ देते हैं, कोई विक्रेता अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस सामान को 10% कम में खरीदे और ₹24 ज्यादा में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बात समझ में आ रही है। चलो भाई इसको हम कैसे लगाते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है कि सीपी हमारा 100 हम मानते हैं, तो सीपी हमने हमेशा से क्या करते हैं सीपी को 100 मान लेते हैं, तो मान लिया हमने, ठीक है। अब हमारा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, पहली लाइन में लिखा है कि कोई विक्रेता अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीपी में प्रॉफिट को एड कर देंगे तो हमारा एसपी बन जाएगा, कितने बार बता चुके हैं हम, अब तो आपको याद भी हो गया होगा।
तो सीपी से हम एसपी कितना हो गया 105 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, यदि वह उस सामान को 10% कम में खरीदे, मतलब 100 का वो सामान 100 का ना खरीद के कितने कम कर 10% कम में खरीदे, तो 10% कम कर देंगे यानी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। और 24 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा, यानी कि 90 में जो खरीदे और 24 रुपए ज्यादा में बेचे तो 20% का लाभ होगा। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा बताएगा कोई? 90 का जो 20% होगा तो वो कितना, 90 20% नहीं, क्योंकि हमें निकालना क्या, एसपी निकालना है 90 से। अब हम नया एसपी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 108। इसको सॉल्व कर लो, 90 का 120 डिवाइडेड बाय 100 आप जब करेंगे तो आपका जो उत्तर है कितना 108 निकल के आएगा। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, जब फिर से पढ़ो क्वेश्चन, कि सीपी हमारा 100 था, प्रॉफिट हमने 5% लिया, तो हमारा एसपी कितना हो गया 105 हो गया। अब हमने क्या किया, यदि वह उस सामान को 10% कम में खरीदता, यानी कि 100 का ना खरीद के 90 का खरीदता, तो उसको 20% का लाभ होता, यानी कि 90 से ये सीपी हमारा 90 हो गया। अब हमारा इस सीपी के हिसाब से हमारा नया एसपी जो होगा वो कितना होगा 108। कैसे होगा, क्योंकि 20% लाभ हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, 90 का 120 बटे 100 करके निकाल दिया, क्योंकि हमें निकालना क्या था, एसपी निकालना था ना, 120 क्या हमारा एसपी है, तो 108 आपका क्या आ गया, न्यू एसपी निकल के आ गया, ठीक है। अब ये जो न्यू एसपी आया है और जो पुराना एसपी है उसमें जो अंतर है, जो इनका जो अंतर निकल के आ रहा है, कितना अंतर आ रहा, 3% का। और जो 3% जो अंतर वो किसके बराबर होगा बता सकते हैं, ये 24 के बराबर, ठीक है। तो 3% बराबर किसके हो जाएगा, 24 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर होगा, 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि 8 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है इसमें, देखो उस वस्तु का क्रयमूल निकालना है, क्रयमूल कितना माना था हमने 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 100 बराबर कितना हो गया 800 मारुति आती थी है ना, तो 800 रुपए इसका क्या आ गया आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है, जरूर बताए, और ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी फ्री में पढ़ सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, बाय बाय।